पार्वती जी नहा रही थीं और पार्वती जी नहा रही थीं, गणेश जी पहरा लगा रहे थे और फिर वहाँ पर भोले बाबा प्रवेश करना चाहते हैं, देवता प्रवेश करना चाहते, रुद्रगण प्रवेश करना चाहते हैं। तो थोड़े तो बुद्धि से सोचना चाहिए, नेकात तो अकल से सोचो। अगर कोई स्त्री नहा रही होगी तो उसके स्नान घर में कोई प्रवेश क्यों करना चाहेगा? ये तो सभ्यता ही नहीं है, ये तो मर्यादा ही नहीं है। तो ये वाली बात एकदम झूठी है कि पार्वती जी नहा रही थी और तब गणपति बप्पा पहरा लगा रहे थे। शास्त्रोक्त बात ये है कि भगवती पार्वती जी शनि देवता के उस कोप से अपने पुत्र को बचाने के लिए यज्ञ कर रही हैं और उस यज्ञ में ब्रह्मांड की केवल देवियां ही सम्मिलित हैं, उसमें कोई पुरुष तत्व का अभिमानी सम्मिलित नहीं है। इसीलिए देवता तथा गंधर्व और वो सब शक्तियां जो अपने आप को पुरुष तत्व का अभिमानी समझती थी, वो भीतर प्रवेश करने के लिए जिद कर रही थी और गणपति बप्पा उन्हें रोक रही थी। तब वहाँ पर रुद्रगणों ने आकर कहा, ये तो हमारा घर है, हम जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं, तुम कौन होते हो हमारे घर में हमें कहीं रोकने वाले? तो विनायक ने कहा, मैं इस घर की स्वामिनी का बेटा हूँ, मैं इस घर की स्वामिनी का बेटा हूँ, तो मेरा अधिकार है, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। भृगु ऋषि ने एक बार महादेव को श्राप दिया था कि जैसे मुझसे मेरे पुत्र का वियोग हुआ है, ऐसे ही आपसे आपके पुत्र का वियोग होगा। तो वो श्राप यहाँ पर फलीभूत हुआ कि महादेव ने जब गणेश जी को, जब विनायक को समझाया कि पुत्र हमें भीतर जाने दो, और विनायक ने उन्हें भीतर नहीं जाने दिया। और थोड़ी सी गलती विनायक की भी थी, क्योंकि शनि देवता का मुख पर उनका प्रभाव हो गया था, तो उन्होंने न कहने योग्य वाक्य कह दिए। ये आभास होते हुए भी कि अगर ये कह रहे हैं कि ये इस कैलाश के स्वामी हैं और मेरी माँ इस कैलाश की स्वामिनी है, तो स्वाभाविक है मैं उनका पुत्र हूँ तो ये मेरे पिता हैं। अपने पिता से किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, ये संस्कार उस समय विनायक ने भुला दिए थे। तो ये उनकी गलती थी जो उस शनि कोप के कारण हुई थी, जिसके फलस्वरूप महादेवी ने शनि को गतिहीन बना दिया था। इसीलिए शनि की गति बहुत शीघ्र हो गई, बहुत धीरे हो गई। कहते हैं शनिवार के दिन अगर भगवान शनि को प्रणाम करके ये संकल्प करो कि मैं धर्म का, न्याय का, सत्य का, संस्कारों का पालन करूँगा, तो भगवान शनि की कुदृष्टि उस व्यक्ति को कभी भी घेरती नहीं है, क्योंकि शनि देव न्याय के देवता हैं। अगर पाप करोगे तो शनि देवता तुम्हारा कुभाव करेंगे, अगर तुम संस्कारवान रहोगे, धर्मपरायण रहोगे, अगर तुम अपने जीवन में आचरण और चरित्र में पक्के रहोगे, तो फिर भगवान शनि तुम्हारा साथ देंगे, वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ेंगे नहीं, वो तुम्हें बलवान बनाएंगे। इसीलिए कहते हैं जो हनुमान जी की भक्ति करता है, हनुमान जी के पद चिन्हों पर चलता है। हनुमान जी कौन है? हनुमान जी भक्त हैं। हनुमान जी कौन है? बाल ब्रह्मचारी हैं। हनुमान जी कौन है? धर्म रक्षक हैं। हनुमान जी श्रेष्ठ हैं। तो जो हनुमान जी का भगत है, उस पर शनि भगवान भी कृपापूर्ण रहते हैं। तो विनायक की ये गलती थी कि वो संस्कार भंग कर दिए और महादेव का त्रिशूल चल गया। महादेव का त्रिशूल जब चला तो विनायक का जो ब्रह्मांड में सबसे सुंदर मुख था वो, और आग जलकर भस्म हुआ, हाहाकार मच गया। महादेवी भद्रकाली के रूप में प्रकट हो गई, ब्रह्मांड की समस्त देवियां क्रोध में
संसार को नष्ट करने के लिए सज्ज हुई। नमो देवी महामाये सृष्टि संहार कारिणी अनादि निधने चंडी मातः शंकर का बदे कोई नहीं था पूरे ब्रह्मांड में देवी से रक्षा करने वाला, देवी से अपने आप को बचाने वाला। तब श्री नारायण ने महादेवी को मनाने के लिए स्तुति गाई। माँ आप सबकी माँ हैं, शांत हो जाइए। आंखों में उनके अश्रु भर आए और उन्होंने कहा, महादेव आपने मेरे पुत्र को मार दिया, आपने मेरे पुत्र को क्यों मारा? बस इतनी सी भूल थी ना उसकी कि मैंने उसको आज्ञा दी थी, वो उस आज्ञा का पालन कर रहा था। महादेव मेरे पुत्र को जीवित करिए, मैं जानती हूँ आप ऐसा कर सकते हैं। तब संपूर्ण संसार घोटू के बल बैठ गया। शिव ही एकमात्र इस समय कल्याणकारक विनायक को पुनः जीवित कर सकते हैं। तब महादेव ने नारायण की ओर देखा, नारायण उत्तर दिशा की ओर गए। जो माँ अपने शिशु से पीट करके सो रही हो, उसी माँ के शिशु को ले आना। पूरे ब्रह्मांड में आज तक कोई माँ अपने शिशु से पीट करके कभी नहीं सोती है। एक थी उत्तर दिशा में हथनी जो अपने शिशु से पीट करके सो रही थी। नारायण भगवान ने उसी हथनी के शिशु का सिर लिया। क्यों, उस शिशु का क्या दोष था? चलो उस माँ का तो दोष था कि वो अपने शिशु से पीट करके सो रही थी, लेकिन उस शिशु का क्या दोष था जो उसी का मस्तक काट लिया गया? उसका दोष था ना जब वो गजराज था तब उसने इंद्र की सवारी होने का सौभाग्य प्राप्त किया था। एक बार दुर्वासा मुनि भगवान नारायण का दर्शन करके जा रहे थे, तो भगवान के दर्शन के पश्चात उनको भगवान की फूलों की माला मिली। भगवान की श्रीकंठ की फूल माला अपने माथे से लगाकर अपनी जटाओं में सजाकर दुर्वासा मुनि बहुत आनंदित हो रहे थे। प्रेम भराया था उनको, आनंद में झूमने लगे थे कि सामने से इंद्र ने आकर के प्रणाम किया। तो कोई प्रणाम करता है तो साधु खुश हो जाते हैं, साधु ऐसे ही होते हैं, बस प्रणाम पे ही खुश हो जाते हैं। उन्हें कुछ नहीं चाहिए तुम्हारा, तुमने प्यार से प्रणाम कर लिया तो साधु आशीर्वाद लौटा देता है। तो दुर्वासा मुनि ने अपनी जटाओं से निकाल कर वो भगवान की श्रीकंठ की माला इंद्र को दे दी। इंद्र को सौभाग्य मानना चाहिए था कि भगवान के श्रीकंठ की माला एक संत के हाथों से मुझे मिली है, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। लेकिन उसने उसका कोई भाव नहीं समझा, और भाव नहीं है तो भैया किसी भी चीज की कीमत नहीं है। हीरा तो हीरा है, पर बंदर के हाथ में पकड़ा दोगे तो दो कौड़ी का है। बंदर के लिए उसकी कीमत थोड़ी है, जौहरी के लिए उसकी कीमत है। तो भाव है तो भगवान है, भाव नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कहते भी हैं, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, न मानो तो बहता पानी। तो इंद्र ने तो कोई उसका भाव समझा नहीं और उसे अपने हाथी के ऊपर पहना दिया। हाथी ने उसे पांव के नीचे कुचल दिया तो इंद्र को उसका दंड मिला। इंद्र को दंड मिला कि वो स्वर्ग से वो पतन हो गया उसका, और हाथी को दंड मिला कि उसका मस्तक काटा जाएगा एक बार। फिर वो राक्षस हो गया। राक्षस बनकर उसने बहुत तपस्या करी, गजासुर उसका नाम था। ब्रह्मा जी ने उसको वरदान मांगने के लिए कहा तो उसने कहा, मेरा मस्तक तो कटेगा ही, संसार में मेरा मस्तक जब कटना सुनिश्चित ही है,
तो मुझे एक वरदान दे दीजिए कि जब मेरा मस्तक कटे तो ब्रह्मांड का सबसे बुद्धिमान मस्तक, सर्व पूज्य मस्तक मेरा ही हो। ऐसा उसने वरदान मांगा। तो वही जो था विनायक के धड़ पर गणपति बप्पा ने, भोले बाबा ने वो मस्तक लगाया। इसीलिए जैसे ही गज का मस्तक हुआ तो उनका एक नाम पड़ गया, गजानन।